आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बड़े गोश्त की पुलाव बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 1.5 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसे आधा घंटा हो गया भिगो के रख दिए हैं। 1 किलो गोश्त, 10 ग्रीन चिलीज हरी मिर्च कट कर ली हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट यूज़ किया है क्योंकि गोश्त में मैंने सॉल्ट यूज़ कर लिया था पहले ही, 1/4 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर है, 1/2 जिंजर बारीक कटा हुआ। इसकी मैंने यखनी तैयार की थी। यखनी तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर पानी 1 किलो गोश्त के अंदर डाल के रख दिया था। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक काली मिर्च और नमक इस्तेमाल की थी और 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था। यखनी बनके तैयार हो गई है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका। 1 बड़ी प्याज मैंने कटिंग कर ली है। इसमें 3 चम्मच ऑयल मैंने गर्म कर ली है, रख दिए थे मैंने चूल्हे पे पहले। इसमें आप प्याज डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी। प्याज ब्राउन हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसे ढक्कन रख दूंगी। इसे हिला लें अच्छी तरह और अब इसके अंदर ये सारा मसाला डाल लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा मसाला मैंने भून लिया है, अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल लूँगी और इसका चम्मच अच्छी तरह हिला लूँगी। अब मैं इसको पहले भून लूँगी अच्छी तरह, फिर मैं इसके अंदर यखनी और पानी डाल दूँगी। गोश्त भून के तैयार हो गया है। 4 कटोरी चावल थे इसलिए मैं इसमें 7 कटोरी पानी यूज़ करूँगी क्योंकि 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी यूज़ होते हैं। 3 कटोरी यखनी की थी और 4 कटोरी इसमें पानी की है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके ऊपर ढक्कन लगा के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। जब मैं इसको पकने के लिए रखूंगी तो इसमें आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है और हल्की आंच पे मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। 5 मिनट में इसका पानी पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी जो मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। चावल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह हिला लूँगी और फिर इसे पकने के लिए रख दूँ। तेज़ आंच पे इसका ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख दें। 5 मिनट में ये बनके तैयार है। अब मैं इसे दम पे लगा दूँगी। 25 मिनट का मैंने इसको दम लगाया था। अब मैं इसका ये चूल्हा बंद कर दूँगी, ढक्कन खोल दूँगी और ये देखें चावल बन के तैयार हो गए। 25 मिनट का दम लगाने के बाद ये देखें आपके सामने बड़े गोश्त की पुलाव बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है किसी त्यौहार पे बनाने के लिए या कोई गेस्ट आए उनके लिए। साथ ही मैंने चटनी बनाई है हरे धनिए की। इस चटनी की रेसिपी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ और अगर आप चाहें तो दही का रायता भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब